जय श्री कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विशाखा और आपका स्वागत है आपके अपने विशाखा किचन चैनल में। तो आज मैं बना रही हूं परफेक्ट मेजरमेंट से बहुत ही दानेदार और बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ऐसे बेसन रवा के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बर्तन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हमें 3/4 कप इतना देसी घी ऐड करना है। तो पहले हम सारा घी ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से घी को हम बचा के रखेंगे। अब इसमें जाएगा 1.5 कप के बराबर इतना बेसन और 1.5 कप के बराबर हमें बारीक सूजी है वह ऐड करना है। जो फाइन वाला सूजी रहता है ना, वो लिया है। अगर आपके पास मोटा सूजी है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसे मिक्सी में पीस कर लीजिए, फिर इसमें इस्तेमाल करें। अब बेसन और सूजी को हमें घी में अच्छी तरह से तकरीबन 20 मिनट के लिए भूनते रहना है। यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है उसे हमें धीमी आँच पर ही रखना है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे भूनते रहेंगे। यहाँ पर हमने सूजी और बेसन को समान मात्रा में लिया है, जिससे कि ये लड्डू खाते वक्त बिल्कुल चिपकता नहीं है और एकदम दानेदार लड्डू बनते हैं इसके। तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते वक्त। अब इसमें हम महीन कटे हुए बादाम और पिस्ता है वह ऐड करते हैं और जो बचा हुआ घी है वो इसमें ऐड करेंगे। तो बस इसे और कुछ 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसका कलर अभी काफ़ी चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ना हल्का पीला कलर आने के लिए हम क्या करेंगे, चुटकी भर हल्दी को पानी में डालकर इसके छींटे लगाएंगे, जिससे मिश्रण भी दानेदार बनेगा और हल्का पीला कलर भी आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तुरंत ही फ्लेम को बंद करते हैं। मिश्रण काफ़ी गर्म है तो हम इसे पहले ठंडा होने देंगे। लड्डू का मिश्रण हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम 1/2 चम्मच जितनी इलायची पाउडर है ऐड करते हैं। 1.5 कप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिश्रण हल्का गर्म रहने से चीनी है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाती है और लड्डू बनाते वक्त हमें आसानी होती है। मिश्रण तैयार हो चुका है तो फटाफट इसके लड्डू बना लेते हैं। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे हाथों में और यूं इस तरह से लड्डू बांधते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बेसन और रवा का लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से हम लड्डू बनाते जाएंगे। तो इन लड्डू को आप तकरीबन 15 दिनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। कम से कम घी में हमने सही मात्रा में बेसन और सूजी का इस्तेमाल करके परफेक्ट लड्डू बना लिए हैं। तो आप भी बनाइएगा इस दिवाली में। फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ।